आज हम बनाने वाले हैं ताजी सब्जियों से भरपूर तीन बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपीज, जो आप अपने लंच या डिनर कभी भी बना सकते हैं। शुरू करेंगे हमारे सुंदर 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाने वाले क्रंची पालक के चीले से। फिर बनाएंगे सब्जियों से भरी गरम गरम टिक्की, उसके साथ खट्टी मीठी खजूर की चटनी और टैंगी हरी चटनी। और फिर आखिर में एक बहुत ही फ्लेवरफुल साउथ इंडियन डिश, जो है हमारा मिलेट उपमा। ये तीनों रेसिपीज हमारे घर पे हर हफ्ते एक ना एक बार तो बनती ही बनती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली रेसिपी से, और वो है हमारे चीले। इस रेसिपी के दो पार्ट्स हैं, चीला बैटर और दूसरा उसकी फिलिंग्स। पहले बनाते हैं अपने चीले। क्या आप गेस कर सकते हैं ये चीले किसके बने हैं? शायद आप बोले बेसन और दही, लेकिन ये चीले बनाने के लिए हम यूज करेंगे मूंग दाल और पालक। एक मिक्सी ले लें और उसमें डालें 2.5 कप पालक और उसको कर लें अच्छे से ब्लेंड। ये बन गई आपकी 2 कप पालक की प्योरी। अब उसमें डालें 1 कप हरी स्प्लिट मूंग दाल, जिसे हमने 3 घंटे पानी में भिगो कर रखा था, 1 टीस्पून सेंधा नमक और 1 छोटी हरी मिर्च। और अब करें इन सबको अच्छे से मिक्स। आपको इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पालक में अपना ही बहुत पानी होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इस चीले के बैटर की कंसिस्टेंसी सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ज़्यादा मोटा या पतला हुआ तो आपका चीला अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए सारी सामग्री को नाप के डालें। ये मेजरिंग कप्स और स्पून ज़रूर इस्तेमाल करें। अब बढ़ते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे, इन चीलों में स्वाद भर देने वाली इस क्रंची और जूसी फिलिंग पे। इसके लिए एक बोल लीजिए और उसमें डालें 4 गाजर, जिसको हमने मोटा मोटा कद्दूकस करके हल्का सा स्टीम कर लिया है। स्टीम करने से ये गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। फिर डालें 4 टमाटर, जिसे ऐसे बारीक काट लिया है। 1/2 कप कद्दूकस की हुई नारियल की गिरी, इसके लिए नारियल के टुकड़े निकाल लें और उसको ऐसे घिस लें। फिर डालें 1/2 कप धनिया कटा हुआ और आखिरी में 1 टीस्पून सेंधा नमक। अच्छे से मिला दें और हो गई हमारी फिलिंग तैयार। अब बनाते हैं गोल गोल चीले। एक कास्ट आयरन का तवा ले लें। ये इस तरीके का हैवी तवा होता है और इस पर तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। गैस ऑन कर दें और इसे अच्छे से गर्म होने दें। तवा गर्म होने के बाद उस पर थोड़ा पानी छिड़कें और एक कॉटन के कपड़े से साफ कर दें। अब ले लें एक करछी भर बैटर, इसे ऐसे तवे पे डालें और सर्कुलर मोशन में तवे पर स्प्रेड कर दें, ताकि ये अच्छी तरह चारों तरफ से पक जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका पहला चीला तो तवे पे चिपकेगा ही चिपकेगा, लेकिन दूसरे या तीसरे चीले से चिपकना बंद हो जाएगा, तो थोड़ी पेशेंस जरूर रखिएगा। इसे मीडियम आंच पे तब तक पकाएं जब तक ये भूरे रंग का ना हो जाए। फिर उसे निकाल के ऐसे प्लेट में रख लें। कभी भी नॉनस्टिक कुकवेयर ना यूज करें, क्योंकि नॉनस्टिक आपके खाने में पिघल जाता है और बीमारियों को जन्म देता है। चीला बनाने के लिए कास्ट आयरन का तवा बेस्ट है। हमें पता है आप क्या सोच रहे होंगे, बिना ऑयल का चीला? अरे हाँ, आप बना के तो देखिए, ये बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बन जाते हैं। इस बैटर से लगभग 8 से 10 चीले बन सकते हैं। अब हम इनमें भरेंगे फिलिंग। बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी फिलिंग इनमें तभी भरें जब आप इन्हें सर्व करने के लिए रेडी हो, वरना सब्जियों के पानी से ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये हो गए हमारे कलरफुल गाजर के क्रंच, टमाटर की खटास, नारियल की मिठास और धनिया के नमकीन फ्लेवर से भरपूर पालक के चीले तैयार। इन स्वादिष्ट चीलों को हरी चटनी के साथ सर्व करें। आप इस चीले का एक और वेरिएशन भी बना सकते हैं, इसमें आलू और मटर की सब्जी भर के। इस फिलिंग के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और चाहे तो हरी चटनी के साथ साथ नारियल की चटनी भी सर्व कर सकते हैं। अगली डिश पे बढ़ने से पहले हम आपको जल्दी से याद दिलाना चाहेंगे सात्विक भोजन के 4 सिद्धांत, जिनका हम सभी सात्विक रेसिपीज में पालन करते हैं। और ये है LWPW। L यानी कि लिविंग, यानी हम सभी सामग्री ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिसमें जान हो, जिसमें लाइफ हो, ऐसा कुछ नहीं जो पैकेट, बॉटल, टिन या डब्बे में आता हो। W यानी होलसम, यानी हम सभी सामग्री को उसी रूप में इस्तेमाल करते हैं जिस रूप में माँ प्रकृति हमें देती है,
तो जैसे सफेद चावल की जगह ब्राउन चावल, सफेद चीनी की जगह खजूर या गुड़, तेल की जगह नारियल की गिरी और मैदा या रिफाइंड आटे की जगह चोकर सहित आटा। नेक्स्ट है पी, यानी प्लांट बेस्ड, यानी सभी भोजन पेड़ पौधों से आता है, पशु पक्षियों से नहीं, मांस मछली अंडे का तो सवाल ही नहीं। और दूध की जगह नारियल या बादाम का दूध इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी है डब्ल्यू, यानी वाटर रिच, यानी हम ज्यादा से ज्यादा वो सामग्री इस्तेमाल करते हैं जो रस से भरी हो, जिसमें पानी भरपूर मात्रा में हो, क्योंकि जो आहार पानी से भरा होता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी सात्विक भोजन की पहली पहचान बताई थी कि वो रस होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे चार नियम जो एक सात्विक रेसिपी को किसी भी दूसरी रेसिपी से अलग करते हैं। इनके बारे में और गहराई में समझने के लिए आप हमारे चैनल पे ये वीडियो देखें, एक आहार सारे इलाज। आइए अब बढ़ते हैं अपनी अगली डिश पे, सब्जियों से भरी गरम गरम टिक्की। ये रेसिपी आप लंच या डिनर कभी भी बना सकते हैं। वेजिटेबल टिक्की बनाने के लिए एक मिक्सी लें और उसमें डालें आधा कप गोभी कटी हुई, गोभी ना मिले तो आलू भी यूज कर सकते हैं, 1/8 कप गाजर कटी हुई, 1/8 कप मटर, अगर मटर सीजन में ना हो तो इसको छोड़ भी सकते हैं, 1 टेबलस्पून धनिया कटा हुआ, 1/2 टेबलस्पून पुदीना कटा हुआ, 1.5 टेबलस्पून अलसी के बीज का पाउडर जिन्हें फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। इस पाउडर को बनाने के लिए फ्लैक्स सीड को बस मिक्सी में डालें और चला दें। ये पाउडर हमें बाद में भी चाहिए होगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा बना के रखें। 1 टीस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून नींबू का रस। मिक्सी चलाएं और इन सबको अच्छे से मिक्स करें। जब ऐसा थिक और स्मूथ बैटर बन जाए तो इसे एक बोल में निकाल लें। अब इसमें डालेंगे 2 और चीजें, 3/4 कप घिया बारीक कद्दूकस किया हुआ। डालने से पहले इसमें से सारा पानी जरूर निकाल दें, इस तरह स्क्वीज करके, ताकि पकाने पर ये टिक्की क्रिस्प बन पाए। और आखिर में डालें 1/4 टीस्पून सेंधा नमक। नमक ध्यान रखें कि बिल्कुल टिक्की बनाने से पहले ही डालें, वरना आपका बैटर पानी छोड़ देगा। इसको अपने हाथों से मिला लें। अब इस बैटर को 7 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दें और इनकी 7 बॉल्स बना लें। इनको इस तरह टिक्की की शेप में फ्लैट कर दें। टिक्की जैसा बन जाए तो अपना फ्लैक्सीड पाउडर लें जो आपने ब्लेंड करके साइड रखा था, और उसमें हर एक टिक्की को चारों तरफ से अच्छे से रोल कर लें ताकि वो पूरी तरह इस पाउडर में कोट हो जाए। आमतौर पर टिक्की को मैदा या ब्रेड क्रम्स में कोट किया जाता है, मगर हमने ढूंढ लिया है उसी का एक बहुत ही हेल्दी ऑल्टरनेटिव, और वो है अलसी के बीज। अब रेडी है ये तवे पे जाने के लिए, तो वही कास्ट आयरन का तवा ले लें और उन पर ये टिक्की सेकें। क्योंकि हमने अलसी के बीज यूज करे हैं, आप देखेंगे कि ऑयल के बिना भी ये टिक्कीज चिपकेंगी नहीं। स्पैचुला से धीरे धीरे दबाएं और तब तक पकने दें जब तक ये ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए। फिर पलट कर दूसरी तरफ से भी इन्हें पकाएं। जब तक आपकी टिक्की बन रही है आप दोनों चटनियां बना लें। डेट चटनी बनाने के लिए मिक्सी लें और उसमें डालें 10 खजूर बिना बीज के, 2 टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सेंधा नमक, 1 छोटी हरी मिर्च और 1/3 कप पानी। कर दे सबको मिक्स और ये हो गई आपकी मीठी खजूर की चटनी झट से तैयार। इसी तरह हरी चटनी बनाने के लिए मिक्सी में डालें 1 कप धनिये के पत्ते, 1/2 कप पुदीने के पत्ते, 1/2 कप अम्बी यानी कच्चा आम कटा हुआ, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सेंधा नमक और 1 छोटी हरी मिर्च। सबको अच्छे से मिक्स कर दें और ये हो गई आपकी हरी चटनी भी तैयार। ये दोनों चटनियों को आप फ्रिज में 2-3 दिन रख भी सकते हैं। चलिए अब हमारी गरम गरम टिक्कीज भी तैयार है, दोनों चटनियां भी तैयार है, तो अब आ जाता है मेरा फेवरेट पार्ट, हमारी डिश की प्लेटिंग। पहले डालेंगे टिक्की और फिर ग्रीन चटनी, फिर डेट चटनी और आखिर में एडेड क्रंच और भरपूर न्यूट्रिशन के लिए स्प्राउट्स। हम डाल रहे हैं अल्फाल्फा स्प्राउट्स, लेकिन आपके पास जो भी स्प्राउट्स हो वो आप डाल सकते हैं। और ये हो गए हमारी ना केवल ऑयल फ्री बट ग्रेन फ्री बहुत ही स्वादिष्ट सात्विक वेजिटेबल टिक्की तैयार। खट्टे मीठे फ्लेवर्स से बनी ये टिक्की बहुत ही टेस्टी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी रेसिपी पे,
मिलेट उपमा। आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हमने कोई साउथ इंडियन रेसिपीज क्यों नहीं बनाई, तो आप सभी के लिए हम लाए हैं उपमा, बट उपमा विद अ ट्विस्ट, मिलेट उपमा। पहले हम इस उपमा की फ्लेवरिंग तैयार करेंगे। एक हांडी ले लें और उसमें डालें 2 टीस्पून सरसों के बीज यानी मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून अदरक घिसा हुआ, 2 टेबलस्पून कच्ची मूंगफली और 2 छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इन सबको सूखा भून लें 5 मिनट तक। 5-7 मिनट में पूरी किचन में खुशबू फैल जाएगी। अब डालें उसमें 15 से 20 कड़ी पत्ते और इन्हें भी 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। फिर इस हांडी में डालें 2 कप हरी बीन्स बारीक कटी हुई, 1 कप गाजर बारीक कटी हुई और 1 कप मटर। इन सब्जियों को 2 मिनट के लिए मसालों के साथ चला लें। इससे सभी फ्लेवर्स घुल मिल जाते हैं। अब 2 कप पानी डाल दें और इसे 15 मिनट तक पकने दें। सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं तो उसमें डालें 1 कप मिलेट, जिसको हमने 2-3 घंटों के लिए भिगो दिया था। आप कोई भी मिलेट यूज कर सकते हैं, बार्नयार्ड यानी सानवा, प्रोसो यानी चना या फिर फॉक्सटेल यानी कांगनी। आजकल आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाते हैं। मिलेट के साथ डालें 1 कप पानी और 1/2 टीस्पून हींग का पाउडर। फिर से ढक दें और तब तक पकने दें जब तक आपका उपमा सारा पानी सोख नहीं लेता। ज़रूरत पड़े तो आप और भी पानी डाल सकते हैं। गैस बंद कर दें और उसमें डालें 2 टीस्पून नींबू का रस, 2.5 टीस्पून सेंधा नमक और 1/4 कप बारीक कटा हुआ धनिया। लिड को फिर से ढक दें और आखिर में 2 मिनट तक सभी फ्लेवर्स को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिलने दें। और ये हो गया हमारा स्वादिष्ट सात्विक मिलेट उपमा तैयार। टॉप करने के लिए यूज करें कुछ रोस्टेड पीनट्स और थोड़ा सा धनिया, और इसे सर्व करें नारियल की चटनी के साथ। इस नारियल चटनी को आप हमारी सात्विक फूड बुक से देखकर बना सकते हैं। सब्जियों से भरपूर ये उपमा ना ही केवल स्वादिष्ट है मगर देर तक पेट भी भर के रखता है। जब भी हमारे घर पे बनता है, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो ये हो गई हमारी तीनों पावर पैक्ड लंच रेसिपीज तैयार। हमने इन तीनों रेसिपीज में सिर्फ वो इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं जो हमें सीधा सीधा माँ प्रकृति से मिलते हैं। कोई तेल, चीनी, पैकेट या बॉटल बंद चीज की जरूरत ही नहीं। जब आप इन्हें बनाएंगे तो इनकी फोटो लेकर इंस्टाग्राम पे जरूर डालें और हमें टैग करना ना भूलें, ताकि हम आपकी फोटोज और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर पाए। ऐसी और कई सारी रेसिपीज के लिए ये सात्विक फूड बुक ऑनलाइन ऑर्डर करें। इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सभी ओकेजन्स के लिए सात्विक रेसिपीज दी गई है। सात्विक फूड बुक ऑर्डर करने के लिए यहाँ क्लिक करें और हमारी और ढेर सारी रेसिपीज देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।